कई बार गुंडे व अपराधी किस्म के लोगों का आमजन को विरोध करना किस कदर महंगा पड़ सकता है, ये जतलाता है वही वाक्य जो पानीपत के बीच हुआ, जहां सट्टे की खाई वाली करने वालों ने कहर बरपाते हुए गुंडागर्दी का वो नाच किया जिसमें कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। गुंडा किस्म के ये शख्स एक बुजुर्ग पर लाठियां भांजने में लगे थे, वो भी सरकारी अस्पताल के बीच, लेकिन इन्हें शायद किसी का खौफ नहीं था। इसी तरह कानून ताक पर रखते हुए ये लोग बुजुर्ग पर तब तक वार करते रहे जब तक वह अधमरा ना हो गया। दरअसल मामला बदहाराम कॉलोनी का है, जहां के निवासियों के मुताबिक मारपीट करने वाले दबंग वहां एक जगह पर सट्टे और जुए का धंधा बेखौफ हो चलाते हैं, जिसे लेकर कई बार इनसे यहां इलाके में ऐसा ना करने को कहा गया, लेकिन ये नहीं माने। वहीं इलाके के लोगों के मुताबिक दबंगों को कानून का कोई खौफ इसलिए नहीं क्योंकि उनके मुताबिक ये सब पुलिस की शय पर हो रहा है। जी, मेरी हमारे घर से तीसरा खंडर है, उसमें सट्टा चलता है, जुआ सट्टा, हर काम चलता है वहाँ। हमने कई बार समझाने की कोशिश की, ना तो मकान मालिक माना और ना ही वो माने। कई बार क्लेश हो चुका है, हमारी दी बेटियां वहाँ निकल सकती, गलत नजर देखते हैं, हमारे को बच्चे कहते हैं हमारा जीना आराम है यहाँ। हमें बहुत बार क्या, कल भाई गया, भाई ये क्या कर, तुम्हारे कितनी बार समझा दिया, सट्टा बंद कर दो, कहता मंथली देते हैं पुलिस को, जब काम चला रहे हैं ऐसे नहीं चला रहे काम हम। वहीं जब एक परिवार का शख्स इन दबंग सट्टेबाज और गुंडा किस्म के लोगों को समझाने और सट्टे के इस कारोबार को यहां से समेटने की बात कहने गया तो ये दबंग उससे उलझ गए, जिसके बाद दबंगई करते हुए उन्होंने मारपीट को भी अंजाम दिया। इसके बाद घटना की सूचना पा पुलिस भी पहुंची और दोनों ही पक्षों को मेडिकल करवा कर लाने की बात कहते हुए अस्पताल भेज दिया, जहाँ अस्पताल में दबंगों ने जो किया उसकी सच्चाई तस्वीरों के हवाले से आपके सामने है। लेकिन फिर भी पुलिस कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, ये बात इलाके के हर शख्स की समझ से परे है। मेडिकल कराने आए, वो किसी और आदेश आए थे, हम सिंपल आदेश आए थे, 5-7 आदमी, हाँ वो 30-40 आदमी थे, डंडे ये झाड़ियों में डंडे पड़े थे, हम दो बार निकलने की कोशिश करी, हम थोड़े भी काम मारपीट की आप लोगों के साथ, मारपीट बहुत की है ना भाई, मरा पड़ा भाई हमारी नहीं हुई, और हमें तो खतरा भी जाएंगे उनको, फिर कहते हैं पैसे देते हैं उठा के ले जाएंगे तुम्हारे बच्चों को, उठाएंगे तुम्हारे को, कैमरे में सारा कैद है हमारे बच्चे, कल के हमारे शाम के हमारा बच्चा कोई बात नहीं कर सकते, बदमाश टाइप के बंदे हैं वो, कुछ भी करवा सकते हैं। वही पुलिस अब कार्रवाई करने की बात कहते हुए अपनी साख बचाने में जुटी हुई है, लेकिन लोग पुलिस पर सट्टेबाजों के साथ मिली भगत के आरोप लगा रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा पुलिस इन आरोपियों को कब तक पकड़ती है और सख्त से सख्त सजा दिलाती है।